मशीन लर्निंग और एआई शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं और आप सोच रहे होंगे इनमें क्या अंतर है। इनमें अंतर है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे अलग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सॉफ्टवेयर और मशीनों की बुद्धिमत्ता से है। दूसरी ओर मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है, मतलब सारी मशीन लर्निंग एआई है पर सभी एआई में मशीन लर्निंग शामिल नहीं। मशीन लर्निंग एक प्रकार का एआई है जिसमें एक मशीन दिए गए डेटा से सीखती है और उसमें पैटर्न पहचान सकती है। इस प्रक्रिया में मशीनें डेटा से सीखती हैं और समय के साथ प्रदर्शन में सुधार करती हैं। यह कई प्रकार की तकनीक का उपयोग करती है, जैसे पर्यवेक्षित लर्निंग, अपर्यवेक्षित लर्निंग और सुदृढ़ीकृत लर्निंग। मशीन लर्निंग शब्द 1959 में आर्थर सैमुअल द्वारा गढ़ा गया। कंप्यूटर गेमिंग और एआई के क्षेत्र की अमेरिकी हस्ती सैमुअल ने एक प्रोग्राम बनाया जो खुद के खिलाफ चेकर्स गेम खेलता था। मशीन ने कई बार खेलकर गेम का विश्लेषण किया और जीतने की रणनीति और हार से बचना सीखा। गेम खेलकर और जीतना सीखकर मशीन ने दोहराए जाने वाले पैटर्न की पहचान की और उन पैटर्न का अनुसरण किया। इसके लिए सैमुअल को गणित का उपयोग करना पड़ा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से कैसे सीखती है और भविष्यवाणियां करती है, इसके लिए रैखिक बीजगणित, कैलकुलस, प्रायिकता और सांख्यिकी जैसी अवधारणाएं समझना जरूरी है। ये गणितीय अवधारणाएं प्रदर्शन को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाने, डेटा के भीतर संबंधों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां करने में मदद करती है। यह चेकर्स गेम मशीन लर्निंग प्रोग्राम का प्रमुख उदाहरण है। उसने अनुभवों से सीखा, अन्य खेलों के सफल परिणामों की नकल की और समय के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाया। और समझना है? चलिए साइकिल चलाने का उदाहरण लेते हैं। पहली बार साइकिल चलाने पर सपोर्ट पहियों से शुरुआत होती है। ये पहिये शुरुआती डेटा सेट जैसे हैं, जिन्हें हम मशीन लर्निंग में फीड करते हैं। इससे मार्गदर्शन और स्थिरता मिलती है जो मॉडल के लिए शुरू में आवश्यक है। ज्यादा अभ्यास से आप संतुलन, पैडल की प्रक्रिया और मोड़ना सीखते हैं। इसी तरह से प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक मशीन लर्निंग मॉडल डेटा में पैटर्न और रिश्तों को पहचानना शुरू कर देता है। अंत में छोटे पहिए हटा देते हैं। अब आप साइकिल को वैसे नहीं चला रहे होते, आप परिस्थितियों के हिसाब से ढलते हैं, जैसे कोई पहाड़ी रास्ता या कोई भीड़ वाला पार्क। इसी प्रकार मशीन लर्निंग मॉडल नए डेटा के हिसाब से ढलने और सटीक भविष्यवाणियां करने या काम करने के लिए पैटर्न का उपयोग करता है। जैसे एक बार सीखने के बाद आप कोई भी साइकिल चला सकते हैं, उसी प्रकार मशीन लर्निंग मॉडल अपनी सीख से कई समस्याओं को हल कर सकता है। आज भले ही आपकी मौजूदा साइकिल अलग हो, पर साइकिल चलाने का कौशल एक ही है। मशीन लर्निंग की मौलिक अवधारणा यह है, जब कोई डेटा से सीखता है, पैटर्न पहचानता है और भविष्यवाणियां या निर्णय में इन पैटर्न का उपयोग करता है। सैमुअल के चेकर्स प्रोग्राम की तरह मशीन लर्निंग मॉडल निरंतर सीखकर और अनुकूलन से अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। तो याद रखें, सभी मशीन लर्निंग एआई है पर सभी एआई मशीन लर्निंग नहीं, और मशीन लर्निंग को कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि पर्यवेक्षित, अपर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकृत लर्निंग।